नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारत के गुजरात में जनवरी 10 से 12 तक आयोजना कैल वाइब्रेंट गुजरात समिट स्थगित। प्रधानमंत्री दिवा के भ्रमण भी रद्द। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में अपन उम्मीदवार के जितावेला 5 दलीय गठबंधन के आह्वान। 7 प्रदेश में संयंत्र बनावे के निर्णय। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौड़े द्वारा काठमांडू मेडिकल कॉलेज के अनुगमन। विद्यार्थी से लेहल शुल्क के बिहान तक रिपोर्ट बुझावेला कॉलेज के निर्देशन। उत्तर कोरिया से प्रहार कैल प्रोजेक्टाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण। अमेरिका दक्षिण कोरिया लगाए देश द्वारा आलोचना। आ कोरोना संबंधी स्वास्थ्य मापदंड पालना ना कैल कसूर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के भिसा रन। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सहभागी होके के कहल गई वाइब्रेंट गुजरात समिट स्थगित फैल बा। भारत के गुजरात में जनवरी 10 से 12 तक आयोजना कैल वाइब्रेंट गुजरात समिट स्थगित कैल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। ANI के मुताबिक ओमिक्रोन वेरिएंट के कारण गुजरात सरकार से समिट स्थगित कैल जनावल गई बा। भारत में पिछला समय कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण तीव्र रूप में फैल रहा बा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित के विपक्षी दल सब वाइब्रेंट गुजरात समिट रोके खातिर मांग कैल रहे। उस समिट में भाग लेवे खातिर आवेल एतवार के प्रधानमंत्री देउवा भारत भ्रमण में जाए के कार्यक्रम तय भइल रहे। मंत्री परिषद के बुध के बैठक से प्रधानमंत्री देउवा के 2 दिन के भारत भ्रमण स्वीकृत कैल रहे। समिट स्थगित भइला संगे ही प्रधानमंत्री देउवा के भ्रमण समेत रद्द भइल बा। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में गठबंधन के उम्मीदवार के जितावे खातिर आह्वान कैले बा। गठबंधन के समन्वय समिति के आज बैठल बैठक से 7 प्रदेश में गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनल सबके निर्वाचित करावे खातिर आग्रह कैल। बैठक राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के खातिर 7 प्रदेश में 5 दलीय संयंत्र बनाव के निर्णय कैल समिति के सदस्य एवं सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देहनी। कार्की के मुताबिक माघ 12 गते होखे लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के खातिर प्रदेशगत संयंत्र ही प्रचार प्रसार और परिचालन के काम करी। संयंत्र में सब पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष सभापति और आवश्यकता मुताबिक अन्य नेता रही। गठबंधन के समन्वय समिति के संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल 7 प्रदेश में संयंत्र बनाव खातिर प्रस्ताव कैले रहनी। राष्ट्रीय सभा के 19 सीट के खातिर होखे वाला निर्वाचन में कांग्रेस 6, माओवादी 5, नेकपा S5, जसपा 2 और राष्ट्रीय जनमोर्चा 1 सीट मिले वाला हिसाब से चुनावी तालमेल कैले बा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल काठमांडू मेडिकल कॉलेज के अनुगमन कैले बानी। चिकित्सा शिक्षा आयोग से निर्धारण कैल शुल्क से ज्यादा रकम कॉलेज से लेहल उजरी पड़ला बाद प्रमुख जिला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मा सहित शिक्षा मंत्री अनुगमन कैनी। अनुगमन के क्रम में मंत्री पौड़ेल चिकित्सा शिक्षा N 2075 के दफा 18 बमोजिम शुल्क निर्धारण कैला से ज्यादा शुल्क लेवे के ना मिले के बतौनी। मंत्री पौड़ेल शुल्क के संबंध में बिहान तक रिपोर्ट पेश करे खातिर भी कॉलेज के निर्देशन देहली बानी। मंत्री पौड़ेल संगे KMC पुगल भक्तपुर के प्रमुख जिला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मा शुक के सवेरे 10:30 बजे विद्यार्थी सहित कॉलेज प्रशासन के वार्ता के खातिर बोलावले बानी। काठमांडू मेडिकल कॉलेज से अतिरिक्त शुल्क लेहल विरोध में विद्यार्थी सब बुध से तालाबंदी एवं प्रदर्शन करते आइल बा। बुध के शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थी से ज्यादा शुल्क असूल करे वाला कॉलेज के कानूनी कार्रवाई करे वाला हिसाब से संबंध खारिज करके चेतावनी समेत देहले बा। बालुवाटार में जग्गा घोटाला कांड के अनुसंधान कर रहा नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो 300 जना विरुद्ध पकड़ाऊ पुर्जी जारी कैले बा। पकड़ाऊ पुर्जी जारी भैला संगे ही जग्गा कृत्य कांड में कांग्रेस नेता विजय कुमार गछुदार सहित उच्च तह के राजनीतिक तथा सरकारी कर्मचारी तानिक भइल बा। उक्त कांड में हाई प्रोफाइल के व्यक्ति सब शामिल रहला से प्रहरी फैला पड़ल कुछ व्यक्ति के मात्र पकड़ाऊ करके अदालत में मुद्दा दायर करे के तैयारी कैले बा। ब्यूरो पूछ महीना भीतर मुद्दा अदालत में बुझाऊ सके परे के भइला से कुछ व्यक्ति के पकड़ाऊ करके हाई प्रोफाइल के व्यक्ति के पकड़ाऊ ना करे के अनुसंधान प्रतिवेदन ही अदालत में बुझाऊ के तैयारी कैले बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़के प्रयोग करके प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री मार्फत ब्यूरो के हाई प्रोफाइल के व्यक्ति सब के सकभर पकड़ाऊ ना करे के कहल आशय के निर्देशन देहला बाद ब्यूरो अनुसंधान प्रतिवेदन ही अदालत में पेश करे के तैयारी कैलक।
ब्यूरो हाई प्रोफाइल के व्यक्ति के अनुसंधान प्रतिवेदन अदालत में बुझावला बाद उस सब के अदालत में सिटिंग करके धरोटी में छुटे के प्रपंच हो रहा स्रोत के दावी बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। देशभर आज आंशिक से सामान्य बदली रह के कुछ स्थान में हल्का वर्षा की संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमानमा महाशाखा जनौले बा। अभी देशभर पश्चिमी वायु के प्रभाव रहल मौसमविद सब बतौले बा। सुदूरपश्चिम कर्णाली गंडकी लुम्बिनी या बागमती प्रदेश में सामान्य से पूर्णतया बदली रह के बाकी भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रह के महाशाखा जनौले बा। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थान और लुम्बिनी तथा गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का वर्षा हो रहा बा। दोपहर देशभर आंशिक से सामान्य बदली रही तो देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग के कुछ स्थान सब में हल्का से मध्यम हिमपात की संभावना और सुदूरपश्चिम कर्णाली गंडकी लुम्बिनी या बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना रहला से सुरक्षित और सतर्क रहे खातिर मौसमविद लोग आग्रह कैले बा। सन 1978 में बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी के संरक्षण ओकर योजनागत विकास करला लुम्बिनी गुरु योजना शुरू भइल रहे। COVID-19 के विश्वव्यापी प्रभाव आ पर्याप्त रकम अभाव में 15 वर्ष के भीतर पूरा करला शुरू कैल गुरु योजना के काम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा बा। 43 साल पहले शुरू भइल बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी के संरक्षण और विकास खातिर बनल गुरु योजना के काम अभी तक 83% ही ओराइल बाटे। लुम्बिनी विकास कोष के प्रतिबद्धता और जिम्मेवारी बोध भइला पर भी पर्याप्त रकम अभाव के चलते गुरु योजना के गति नइखे मिल सकल। गुरु योजना अंतर्गत अभी तक पवित्र उद्यान बिहार क्षेत्र नया लुम्बिनी ग्राम लगायत बाटे गुरु योजना सम्पन्न करे खातिर अभी तक करीब 5 अरब रकम खर्चा हो चुकल बा। 4 साल में उराय के लक्ष्य राखल गेल गुरु योजना के बाकी 18% काम सम्पन्न करे खातिर 7.5 अरब रकम के जरूरत पड़ल कोष के कहनाम बाटे। विशेष रूपमा गुरु योजना भित्रका रोड नेटवर्कहरु भित्रको बाटो अनि ड्रेनेज अनि त्यससँगै ल्यान्डस्केपका कामहरु र केही गेटहरु एउटा विश्वस्तरीय रूपमा डिजाइन हामीले प्राप्त गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले यो कामहरू सुरु भएको छ भने अब थप बजेट प्राप्त हुनासाथ अरू बाँकी भएका कामहरू हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। गुरु योजना समयमै सम्पन्न गरे खातिर आवश्यक बजेट विनियोजन गरे खातिर लागल राष्ट्रिय योजना आयोग जनाउले बा। योजना आयोगले पनि अझै कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विचार गरिरहेको छ। सकेसम्म यो गुरु योजनालाई सहयोग गर्ने कुनै पनि वित्तीय समस्या नपरोस् भनेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने विचार चाहिँ गरिरहेछौँ र सहयोग हामी त्यही अनुसारले गर्छौँ भन्ने। जापानी वास्तुकलाविद केन्जो टाङ्गीद्वारा बनावल गुरु योजना मुताबिक 1155 बिघा क्षेत्रफलमे पवित्र उद्यान मोनास्ट्रिक जोन और न्यू लुम्बिनी विलेज के रूप में लुम्बिनी के विकास कर गेल बा। बौद्ध समुदाय के तीर्थस्थल लुम्बिनी में सरकार द्वारा गुरु योजना के काम जल्दी संपन्न करे खातिर आवश्यक बजेट और दक्ष जनशक्ति के थप व्यवस्था करे पड़े के जरूरत देखल गेल बा। कपिल वस्तु से विकास बंजारे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। निरंतर बढ़ते क्रम में रहल डिजिटल कारोबार में संकुचन आवे के संकेत देखल गेल बा। बीतल आसिन तक वैलेट मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कनेक्ट आईपीएस जैसन ऑनलाइन भुगतान माध्यम से होखे वाला कारोबार रकम बढ़े के क्रम में रहला में कार्तिक में आवेला ऑनलाइन भुगतानी के कारोबार रकम तथा संख्या भी घटल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक से प्राप्त कार्तिक अंतिम तक के तथ्यांक ऐसन देखौले बा। तथ्यांक मुताबिक आसिन में के तुलना में कार्तिक में वैलेट मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कनेक्ट आईपीएस लगायत के माध्यम से भइल कारोबार रकम घटल बा। साथ ही कारोबार संख्या भी कमी आइल बाटे। तथ्यांक मुताबिक बीतल आसिन में मोबाइल बैंकिंग मार्फत 87 अरब 73 करोड़ रुपया कारोबार भइल रहे लेकिन कार्तिक में कारोबार
78 अरब 15 करोड़ रुपया में गिरल बाटे। कोरोना महामारी के कारण पिछला समय नेपाल में ऑनलाइन भुगतानी के प्रचलन बढ़ल रहे, लेकिन कार्तिक में एकाएक संकुचन आयल कारण कोरोना त्रास कायम में रहल समय ऑनलाइन माध्यम से होखे वाला भुगतानी घटे के महत्व के साथ देखल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया द्वारा बुध के प्रहार कैल प्रोजेक्टाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण भइल जनाओल गेल बा। उत्तर कोरिया से कैल मिसाइल परीक्षण इ बरस के पहिलका बड़का हथियार परीक्षण भइल बीबीसी जनाओल बा। बुध के कैल हाइपरसोनिक मिसाइल 700 किलोमीटर दूर रहल निशाना में सफलतापूर्वक प्रहार कैल रहे। उत्तर कोरिया दोसरका बार हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण कैले बा। कोरियाली समाचार एजेंसी KCNN के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफल भइल बहुते महत्वपूर्ण बात भइल उल्लेख कैले बा। उत्तर कोरिया सन 2017 एने आणविक बम तथा लंबा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण नइखे कैले, ओकर बदले दक्षिण कोरिया आ अमेरिका के मिसाइल सुरक्षा प्रणाली से भेदन करे ना सके वाला किस्म के मिसाइल विकास कर रहल विश्लेषक सब बतौले बा। अमेरिका दक्षिण कोरिया आ जापान सहित के देश सब मिसाइल परीक्षण के लेके उत्तर कोरिया के आलोचना कैले बा। अब खेलकूद समाचार। कोरोना संबंधी स्वास्थ्य मापदंड पालना ना कैल कसूर में ऑस्ट्रेलिया सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के वीसा रद्द कैले बा। विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेला मेलबर्न पुगला बाद ऑस्ट्रेलिया से वीसा रद्द करल देहल गेल बा। जोकोविच आ उनकर टीम ऑस्ट्रेलिया प्रवेश खातिर जरूरी स्वास्थ्य मापदंड पालना कैल प्रमाण पेश करे ना सकल ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स जनौले बा। मेलबर्न विमानस्थल में घंटों तक नियंत्रण में रखला बाद जोकोविच के अभी ऑस्ट्रेलियन सरकार के स्वामित्व के एक होटल में राखल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। भारत के गुजरात में जनवरी 10 से 12 तक आयोजना कैल वाइब्रेंट गुजरात समिट स्थगित, प्रधानमंत्री दिगवा के भ्रमण भी रख। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में अपन उम्मीदवार के जितावेला 5 दलीय गठबंधन के आह्वान, 7 प्रदेश में संयंत्र बनाओ के निर्णय। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौडेल द्वारा काठमांडू मेडिकल कॉलेज के अनुगमन, विद्यार्थी से लेहल शुल्क के दिहान तक रिपोर्ट बुझावेला कॉलेज के निर्देशन। उत्तर कोरिया से प्रहार कैल प्रोजेक्टाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण, अमेरिका दक्षिण कोरिया लगाए देश द्वारा आलोचना। आ कोरोना संबंधी स्वास्थ्य मापदंड पालना ना कैल कसूर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के भी शरण। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।